कि प्रीति मान के सामने जो विरोधी उम्मीदवार, उनका कोई विकास का एजेंडा नहीं है, कोई उनका संकल्प नहीं है, ना जनता से कोई वादे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जात पात का बखेड़ा खड़ा करके चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं भिवानी की जनता से और भिवानी के मतदाताओं से अपील करूंगा कि जात पात के चक्कर में ना पड़ करके योग्य को चुने। नमस्कार, मैं अजय, और आज भाजपा कार्यालय के अंदर एक अलग ही उमंग, अलग जोश दिखा जा सकता है, क्योंकि भाजपा का एक इतिहास रहा है कि वो काम करती है सार्थकता के ऊपर, लिखावट के ऊपर, कि संकल्प पत्र निकाल दिया और आज भिवानी के लिए चौमुखी विकास के लिए बस योजना पर योजना दे डाली और उसी का रूप दे दिया संकल्प पत्र के रूप में। तो शुरुआत में मुकेश गौड़ जी सरस्वती के मुंह पर विराजमान रहे और ये कड़क नेता हैं, चाहे समाज के हो चाहे भाजपा के हो। तो नमस्ते। नमस्ते अजय, बताएं संकल्प पत्र के अंदर किस किस बातों को ध्यान रखा जाएगा, क्या क्या बातें उनके लिए काम सार्थक होंगी? ये हमने बहुत से लोगों ने बैठ करके यहाँ पर जिस प्रकार की समस्याएं नगर परिषद में काम करते हुए ध्यान में आई और लोगों ने, हम जब गए तब बताया कि इस प्रकार की समस्याएं हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और ये संकल्प पत्र बनाया है। और इलाके की जनता से हमने किस्म से वायदा किया कि जो हमने लिखा है, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में कभी फर्क रहा नहीं, चाहे केंद्र की सरकार की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, तो यहाँ पर भी हम संकल्प पत्र लेकर के लोगों के बीच में वोट मांगने गए हैं और जाएंगे आज से। पहले तो वैसे मांग रहे थे, अब संकल्प पत्र के साथ मांगेंगे तो वही लेकर। मतलब कितना फर्क पड़ेगा संकल्प पत्र दिखाने से, बात बताने से, क्योंकि लोगों का जिज्ञासा है कि भाजपा क्या न्याय दे रही, चुनाव का माहौल है, बताएं प्लीज। देखिए, क्योंकि जब जब हमने संकल्प पत्र दिया, जैसे केंद्र की बात करूँ तो चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, समान नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, आप अपने हिसाब से नहीं चलाएंगे। अच्छा जी, आप अपनी, आप कैसे बात करोगे उसी के उसी आधार पे बताऊंगा। अरे नहीं, मेरे पास नगर परिषद की बात, आपने पूछा कि संकल्प पत्र का फायदा क्या, मैं बताऊंगा ना। तो आप समझो, दूसरी आप एक चीज में दिमाग बैठा ली, आप समझो मैं बताऊँ, यानी कि हमने जो पहले संकल्प पत्र तैयार किए केंद्र में, जैसे हमने तैयार किया, समझ में आ गया, डंका बजाया पूरा जो हमने तैयार किया, पूरा विश्व के अंदर नाम रहा, जो हमने संकल्प पत्र केंद्र और प्रदेश में जो हमने बनाया, तो उसके व्यापार जो हमने काम किए, तो जिले के अंदर भी जनता सोचेगी और जिले के अंदर भी इस बात का विश्वास करेगी कि बीजेपी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने केंद्र में जो संकल्प पत्र पेश किया था और प्रदेश में जो पेश किया, उसी के आधार पर हमने काम किया है। लेकिन मुकेश साहब, धूप ज्यादा पड़ा है, अब भाजपा पार्टी सेंटर में है, प्रदेश में भी है, जिले में भी सब कुछ है, तो धूप से बचने उपाय की भी कार्यकर्ता होगा, ये दिन में सब दिन के वोट मांगे जाएंगे, तो बीमार हो जाओगे। धूप ये प्रकृति का है कि मैं तो जन्म से ही ऐसा हूँ, परंतु प्रकृति का वो है, तो जून का जुलाई का जो महीना है तो गर्मी का होता है, तो उसके अंदर भी पार्टी का कार्यकर्ता भाजपा पार्टी ने विपरीत परिस्थितियों में टाइम पे करवा लिया, जून जुलाई में करवाया नहीं है, तो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई है और चुनाव आयोग की डेट है, उसके ऊपर उन्होंने कोई किसी से पूछ करके गर्मी में देनी, चौमासे में देनी, सर्दी में ये डेट देनी, उन्होंने तय नहीं किया, स्वतंत्र इकाई है, तो चुनाव आयोग ने डेट तय की थी उसी के आधार पर। ये जरूरी थोड़ी कि बीजेपी के लड़के कार्यकर्ता को धूप छांव में थोड़ी चलते हैं, धूप तो सबके लिए समान है, पार्टी में है, सत्ता में है, सुख मानते हो, कहते ना धूप ना उठती हो। नहीं, बीजेपी ने एक चीज तो करी, राजनीति की सत्ता का जो सुख भोगने का आनंद था, वो कम से कम हमें उससे वंचित रखा। पहले की जो सरकारें थी और जो दौड़पोस जो राजनीति करते थे, उन लोगों के राज को देखते हुए अगर किसी कार्यकर्ता के मन में इस प्रकार की महत्वाकांक्षा आई हो कि राज के सुखी होते हैं, तो बीजेपी में तो कम से कम मिला नहीं हम लोगों को, तो हम तो पहले से ही समाज सेवा में लगे रहे, विपरीत परिस्थितियों में भी हमने काम किया और अब हम नगर परिषद के चुनाव में मजबूती के साथ लगे हैं। सेवा को सलाम है। आज ऐसा कोई शख्स होगा भिवानी जो आपको नाम से क्रम से ना जानता हो, कि मुकेश गौड़ आज एक ब्रांड है भाजपा के अंदर और ये दिखा जा सकता है, इसमें बड़ी बात नहीं, मेरा सौभाग्य है। तो किस प्रकार से अब लोगों का मन टटोला, लोग क्या कह रहे हैं वो बता दो। लोगों का मन तो देखिए, मैं लोग तो उमड़ उमड़ के आ रहे होंगे, आप कार्यक्रमों से अंदाजा लगा सकते हो कि किस प्रकार कार्यक्रमों में हमारी भीड़ आती है और हमारी बेटी प्रीतिमान को सुनने के लिए भी, और उन वो जिस प्रकार की बातें उन्होंने बीच में रखी, आज हमने जो ये घोषणा पत्र हमने जारी किया कि हम ये काम करने वाले हैं, इन सब से पहले ही वातावरण बना हुआ है। कल भी सीएम साहब के साथ बहुत प्रबुद्ध लोगों की एक बैठक हुई थी और
उत्साह आप देख सकते हैं कि या कोई कार्यक्रम का ये नहीं था कि कोई हमने बड़ा कार्यक्रम करना है, मुख्य लोगों ने इकट्ठा होकर के प्रेस के सामने जारी करना था, परंतु कार्यकर्ताओं में जबरदस्त तो इतना भरा पड़ा है कि अगली अगली सीट पर जाके बैठ जाओ, तो यही तो हमारा आप प्रथम नहीं नहीं उन लोगों को जानकारी नहीं होगी कि बैठना है, परंतु आपके लिए अजय जी प्रथम पंक्ति की कुर्सियां बिल्कुल बाकायदा कपड़ा मरवा करके इसको रखा गया था, बड़ा कूलर आपके लिए और एसी की दो फुहाने लगवाई गई थी। अब आप आए ऐसी समाज के अंदर अगुवाई कर देखते हैं, सब काम देखते हैं, आपकी तो 6 से 5 सीट हुई थी, क्या देखते हैं किस पास देखते हैं आज ऐसी समाज फटका पैर है सारे काम करने बैठे हैं। अजय जी पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं, मुझ जैसे एक तुष्ट कार्यकर्ता का आपने ये सम्मान दिया, इसके लिए आपका चैनल बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं जहाँ तक 6 सीटों को 5 करना ऐसी समाज के प्रति, या यूं कहें कि चुनाव आयोग ने ये जो अन्याय किया है, मैं इसका क्या कहूँ। मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में आश्वासन दिया है कि समाज के साथ, ऐसी समाज के साथ कोई एक किस्म से अन्याय नहीं होगा, हम उनको नॉमिनेट करेंगे। और जी मैं भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने वाला पहला पार्षद हूँ 1990-92 में, और मैं भिवाणी की जनता से अपील करता हूँ कि प्रीति मान जो प्रथम बार विजय बनाए क्योंकि हाँ बिल्कुल सर आऊँगा लंबा जगह। चल नमस्ते सर, नमस्कार जी सर। सर आज आपने घोषणा पत्र पढ़ा है तो एक नई उमंग कार्यकर्ता जो मुख पे देखी जा सकती है, तो सर पब्लिक के बीच में किस तरह जाए रखे हैं बातें रखी जाएंगी घोषणा पत्र के ऊपर? संकल्प पत्र में जो चीज़ें हमने रखी हैं ये सारी चीज़ें नगर परिषद के तहत आने वाली चीज़ें हैं जी, और हमने बीच में जब जनता के बीच में जा रहे थे, भिवाणी में जा रहे थे, तो जो चीज़ों की हम कमी महसूस कर रहे थे, जो चीज़ों की हम ज़रूरत महसूस कर रहे थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए, उस सब का कलेक्शन करके और हमने 24-25 लोगों की टीम ने बैठ करके एक एक पॉइंट पर चर्चा करके ये तय किया। सर इससे कितना राजनीति चेंज होगा, क्या जो विरोधी हैं जो खड़े हैं अपने आप को नेता मान रहे देख रहे तो उनके ऊपर क्या असर जाएगा सर, क्या किस बदलाव की तरफ जाएगा सर? नेता होना और विषय लेकर के जाना दोनों में अंतर है। अगर आपके पास विजन नहीं है, आप चुन करके तो 21-22 तारीख को चले जाएंगे, चुनना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है, चुना तो कोई समीकरण के कारण, कोई किसी के कारण कैसे भी जा सकता है, लेकिन चुनकर जाने के बाद अगर उसका सफ़र क्लियर नहीं है भाई उसे क्या करना है तो कर नहीं सकता है, इसलिए हमने वो अपने कैंडिडेट के लिए 5 साल का रोड मैप तैयार करके दिया कि हम इस लाइन पर काम करें। भिवाणी का एक आधार रहा है, भिवाणी का एक चुनाव रहा है कि जाति आधार पर चुनाव देखा जाता है, और आप सैनिक समाज से हैं जिनसे हैं तो वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनसे भी हैं और चाहे प्रदेश के हैं, तो किस प्रकार से देखते हैं बीसी समाज की ऐसी समाज की क्या नमस्ते टोल है हरियाणा के अंदर भिवाणी के अंदर क्या मानते हैं? भिवाणी में नहीं मैं देश में कहूँगा कि ये ओबीसी सरकार है जी, ओबीसी जितना सुरक्षित इसमें महसूस कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी को जो सरकार की फीलिंग आ रही है, ओबीसी को लगता है कि मैं भी भारत सरकार का हरियाणा सरकार का हिस्सा हूँ, इसलिए ओबीसी ने तय किया है कि हम कमल के फूल के साथ। तो सर एक तरफ हम और रहेगा भाजपा है बिल्कुल, पूरे देश में हमारे बीच में से प्रधानमंत्री मिला है। थैंक यू सर, मंदिर लिया तो दोपहर जी है दोपहर जी नमस्कार, जिला अध्यक्ष हैं आप, शहर की जिले की रीढ़ की हड्डी हैं, खड़े जाओ आप तो हमेशा खड़े पाओ कि आप बड़े स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता मिलते कहाँ पे? बताएं सर संकल्प पत्र से किस तरह से लोगों को बताया जाएगा, किस तरह से इस पर काम होगा? देखिए इस संकल्प पत्र के बारे में लोगों को बताने के लिए अलग से हम पैम्फलेट बनवा रहे हैं, जो लोगों को मालूम पड़े कि हमने क्या करना है कैसे करना है, और लोगों को हमारी टीम घर घर जा कर के भी ये समझाने वाली है। हमने इसमें कोशिश की है कि सभी का ख्याल किया जाए, और ये वो चीज़ें नहीं हैं जो सारी की सारी इसमें ही आ गई हो, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो इसके बाद भी जो ध्यान में आएंगी वो चीज़ें की सर। इसे अगर घोषणा संकल्प पत्र की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट की बात, बेनिफिट हर को बंदा देखता है, चाहे कर्मचारी हो चाहे कर्मचारी कोई भी हो, तो सर किसको फ़ायदा मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा? सभी को फ़ायदा मिलने वाला है, इसमें किसी एक का ख्याल किया ही नहीं,
इसमें हर सबको समान, बिल्कुल सबके लिए नहीं, सबको समान नहीं है, सबके लिए वो जो समानता वाली बात जो भारतीय जनता पार्टी जो बार बार करती है उसी हिसाब से इसमें क्या है कि जैसे लोग पीछे कि भाई मेरा फला काम नहीं होता, ढिमका काम नहीं होता, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने का। आप ये देखिए वृद्धावस्था पेंशन कई बार जो है आदमी अस्वस्थ हो बैंक में नहीं जा सकता तो बैंक मित्र उसके घर दे के आएगा, ये किसी एक उसके लिए नहीं है, ये सभी के लिए। तो मैं जो बात जो आपको कह रहा था समानता वाली बात नहीं, यहाँ तो ज़रूरत वाली बात भी है, जिसको ज़रूरत है उसके डोर स्टेप पर उसके दरवाजे पर वो सर्विस देने वाली बदलाव हो। एक हमने एक काम और भी किया है इसमें, राइट टू सर्विस एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा। कोई काम है तो 7 दिन में होना है, जरूरी है, कंपलसरी है और कानून में है, और वो करते नहीं 2-2 महीने। अब उसको सख्ती से किया जाएगा, कोई चूक करेगा तो उसको दंड भुगतना पड़ेगा, दंडित किया जाएगा। चलो जिला अध्यक्ष ने बताया कि दंडित किया जाएगा। ये वो शख्स है कि आज के दिन ऐसा रियलिटी में ही कोई शख्स होगा जो इनको न जानता हो, क्योंकि ये भिवानी के भगवान हैं, ये रियलिटी माना। सर नमस्ते, मेरा प्रणाम आपको। सर क्या मेरा भी आपको प्रणाम। अजय जी क्यों नहीं, सर आज का जो संकल्प पत्र निकाला क्या इसे मायने रखे जाएंगे, किस तरह से देखा जाएगा चुनाव के अंदर संकल्प पत्र को, किस तरह से देखा जाएगा, क्या मायने होंगे? देखो संकल्प पत्र में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, नगर परिषद के कर्मचारियों का सम्मान, प्रशासन की हेल्प, और ये सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, स्वच्छ पानी की सप्लाई। मैं तो कहता हूँ मेरा एक फार्मूला था डॉक्टर भारद्वाज 4 पॉइंट प्रोग्राम जी, अगर वो पूरा ये कर देते तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। 2005 के विधानसभा में पहले सत्र में मैंने बोला था कि हर घर में स्वच्छ पानी की सप्लाई हो जिससे कि वाटर बॉर्न डिजीज खत्म हो जाएं, हर घर में स्वच्छ लैट्रिन हो। मोदी जी जो बोल रहे हैं ना इतने दिन के बाद, ये उससे बहुत पहले मैंने अपनी किताबों से पढ़ पढ़ के ये सारी बातें जो जीवन में सीखी और वो बोली। जीवन स्तर हमारे जो लोगों का जीवन स्तर है उसको हमें ऊपर उठाना है, यही सब जो उद्देश्य है। तीसरा मेरा ये था उद्देश्य कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, ऐसी शिक्षा मिले जो 12 क्लास तक जो रोज़गार दे सके बच्चे को, चाहे कोई नर्स बेंजी बने, चाहे कोई फिटर बने, चाहे कोई मैकेनिक बने, चाहे कोई पेंटर बने, चाहे कोई प्लम्बर बने, कुछ भी बने, ऐसी शिक्षा दें ताकि हाथ को काम मिले, काम मिले। और ये भी एक जैसे लिटरेचर में मैंने सारी चीज़ें पढ़ी कि यदि हम अपने अनस्किल्ड लोगों को स्किल्ड बना देते हैं तो 2050 के बाद चीन के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की। संकल्प पत्र से कितना फर्क पड़ पाएगा वोटों के अंदर, लोगों के जहन के अंदर? कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा, मैं समझता हूँ कि ये बात 2005 से उठाते आ रहे हैं। ये बात है शहर का सौंदर्यीकरण, अवैध कॉलोनियाँ जो हैं ये बन जाती हैं, कोई भी कुछ करता नहीं। ये क्या करते हैं टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, आप बताओ मुझे। सर मैं भी आपसे ही सवाल पूछता हूँ, जब भी कोई अवैध कॉलोनी बनती है तो आप सारे सरकार भी तो आपकी थी, सरकार ऐसा है इसमें कोई शक नहीं। 5 साल भिवानी के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे MLA बनाया, मैं जो भी कुछ कर सकता था मैंने हर कॉलोनी में, जैसे बैंक कॉलोनी प्यासी थी मैंने वहाँ पानी का प्रबंध किया, अजीतपुर में हमने एक वाटर वर्क्स बनाया, 1680 पौधे वहाँ पे लगे, हरवास में बहुत बूस्टिंग स्टेशन भी नहीं था वो बनवाया, प्लातगढ़ में हमने जो है वाटर वर्क्स बनाया, बूस्टिंग स्टेशन बनाया, निनान गांव में हमने वाटर वर्क्स बनाया। तो मतलब जो पानी की समस्या थी हमने वो करी, जो शिक्षा की थी हर गांव में हर स्कूल में हमने, मेरे वक्त में यहाँ पे जो कंप्यूटर लैब बनी, मेरे वक्त में मैंने मेडिकल कॉलेज की मांग उठाई, मेरे वक्त में मैंने यूनिवर्सिटी यहाँ पे मांग उठाई, और भगवान की दया से वो इस वक्त में क्यों हुआ तो बताओ। देखो मैं उस पर ज़्यादा ना मैं ऐसा है मैं तो काम से काम रखता हूँ, मुझे सहयोग की और विकास की राजनीति आती है, मुझे विरोध की और उल्टी सीधी बातों की राजनीति आती भी नहीं है। सीधे साफ सुथरे इंसान है, यानी साफ सुथरी बातें, साफ सुथरी बातें हैं। तो अब जिला अध्यक्ष हैं विजय कोटड़ा जी, बात करने की कोशिश करूँगा अगर टाइम ले सर प्लीज आऊँ ना। तो सर नमस्कार, सर ट्रिपल इंजन की सरकार है, बातें लोगों से जानी पड़ी, तो सर संकल्प पत्र से क्या फर्क जाएगा, क्या मायने बदलेंगे राजनीति के जिले के? अभी तक तो अजय जी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन 22 तारीख को ट्रिपल इंजन की सरकार भी भिवानी में बढ़ जाएगी। आज आपने देखा है कि दोनों पार्टियों ने एक संयुक्त रूप से संकल्प पत्र जारी किया है, और पार्टियां तो घोषणा पत्र जारी करती हैं, लेकिन गठबंधन की सरकार और पार्टी
संकल्प पत्र जारी किया और इसमें जो भी संकल्प लिए गए हैं वो 100% पूरे होंगे। रही चुनाव की बात, आप देख ही रहे होंगे कि धरातल पर जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से डटा हुआ है। हर वर्ग से, हर स्तर पर, हर एक मतदाता से संपर्क साधकर प्रतिमान को वोट देने के लिए हर कार्यकर्ता प्रेरित कर रहा है और मैं समझता हूँ कि निस्संदेह इसके नतीजे बहुत चौंकाने वाले होंगे। कई राजनीतिक समीक्षक जो तिकोना टक्कर बताने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि 22 तारीख के नतीजे जब आएंगे तो प्रीतिमान भारी बहुमत से विजयी हो। सर एक अहम सवाल, सरकार भी है, सब काम है, लेकिन संकल्प पत्र की जरूरत क्या थी? यह जरूरी काम था शहर के लिए, इसलिए बदलाव की जरूरत थी। देखो सरकार है लेकिन फिर भी हर चुनाव में एक जनता से वादा किया जाता है और जैसा कि आप जानते हो नगर परिषद अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है। सरकार के डिपार्टमेंट नगर परिषद के अधीन जो विकास कार्य आते हैं वो किसी सरकारी महकमे के अधीन नहीं आते, इसलिए सरकार से अलग ये नगर परिषद का संकल्प पत्र है। वह नगर परिषद में जब हमारी सरकार होगी या हमारी चेयरपर्सन होगी तो ये संकल्प हमने जनता के सामने लिया है कि ये चीज़ें और ये वादे हम पूरे करेंगे। जी आप व्यक्तित्व के धनी हैं और परिचय के मुताबिक नहीं है, तो क्या वास्तव में आज वोट मांग रहे तो क्या जनता बीच में इस तरह से काम भी हो पाएंगे? आपके ऊपर साफ की बात है, आप भी गली आओ। बिल्कुल, क्योंकि आपका कहने का आशय मैं समझता हूँ। पीछे नगर परिषद का जिस तरह से चलाई गई है नगर परिषद, निस्संदेह एक बहुत शर्मनाक बात भिवानी के लिए जी। लेकिन जैसा कि बीजेपी नेताओं ने अभी समय समय पर क्लियर किया कि भाई उस समय का जो चेयरपर्सन था वो हमारी पार्टी का नहीं था, बाद में बेशक चाहे उसने पार्टी का ठप्पा लगाया हो, जननायक जनता पार्टी का भी कोई विशेष दखल नगर परिषद में नहीं था जी। लेकिन क्योंकि हम गठबंधन में लड़ रहे हैं और हम भी एक सचेतक के रूप में नगर परिषद की हर गतिविधि पर ध्यान रखेंगे और जनता से और आपसे ये वादा करते हैं कि इस तरह के अनियमित नगर परिषद में भविष्य में नहीं होगी। अगली जो सरकार बनेगी पूरी जेजेपी पार्टी की, जिला अध्यक्ष की भी निगाह रहेगी, पार्टी की पूरी निगाह रहेगी। हमारे खाली जेजेपी जिला अध्यक्ष की नहीं, हमारे हर कार्यकर्ता की रहेगी। हमारी पार्टी के पार्षद भी चुनाव लड़ रहे हैं और निस्संदेह हमारी पार्टी के पार्षद भी भारी संख्या में चुनाव जीत के नगर परिषद में जाएंगे। ठीक है कि सीधा चुनाव हो रहा है लेकिन फिर भी प्रस्ताव और एजेंडे पास करने में हर पार्षद की भूमिका होगी। हम अपने पार्षदों के माध्यम से भी और अगर अपनी निगरानी के माध्यम से भी नगर परिषद में अपनी पूरी निगरानी रखने का काम करें। सर एक आज संकल्प पत्र है, इससे एक कार्यकर्ता अंदर अलग जोश भरा जाएगा, देखा जाएगा, मानते अलग जोश देखा जाएगा संकल्प पत्र आने के बाद में? हाँ, संकल्प पत्र से एक अलग से जोश जनता में आएगा क्योंकि संकल्प पत्र ने दोनों पार्टियों ने विचार विमर्श करके शहर की किसी भी बिंदु को शायद इसमें नहीं छोड़ा गया। एक चीज़ जो भिवानी के लिए सबसे ज़रूरी थी, मैंने समिति को ये सुझाव भी दिया था, पर क्योंकि वो चीज़ नगर परिषद के अधीन कवर नहीं होती। भिवानी को मिनी काशी के साथ साथ मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। भिवानी एक खेल का बहुत बड़ा हब है जी। आज भी आप देख रहे हैं खेलो इंडिया का प्रतिस्पर्धा चल रही है जिसमें हरियाणा अब भी अव्वल पे है और हरियाणा के जितने भी लोगों ने मेडल लिए हैं मैं समझता हूँ शायद आधे के करीब भिवानी के। तो हम ये संकल्प भी करेंगे कि सरकार के माध्यम से ज़िले में खेल सुविधाओं को और बढ़ाएंगे। एक अकेला स्टेडियम भिवानी ज़िले में है, हज़ारों की तादाद में रोज़ खिलाड़ी खेलने आते हैं, खिलाड़ियों की संख्या के हिसाब से स्टेडियम छोटा पड़ता है। हम ये कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं संकल्प भी करते हैं कि ज़िले में जगह जगह पर इस तरह के स्टेडियम बनाए जाएंगे और भिवानी में भी अतिरिक्त स्टेडियम बनाए जाएंगे और इसके साथ जो जगह है इसमें भी स्टेडियम का विस्तार करने का काम करें। थैंक यू सर जी। दूसरी बात मैं आपके सामने एक रखना चाहूँगा कि प्रीतिमान के सामने जो विरोधी उम्मीदवार, उनका कोई विकास का एजेंडा नहीं है, कोई उनका संकल्प नहीं है, ना जनता से कोई वादे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जात पात का बखेड़ा खड़ा करके चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं भिवानी की जनता से और भिवानी के मतदाताओं से अपील करूंगा कि जात पात के चक्कर में ना पड़ करके योग्य को चुने और जो उम्मीदवार आपके सामने है, जैसे कांग्रेस का उम्मीदवार कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे नहीं है, सिंबल पे नहीं जरूर, लेकिन कांग्रेस का समर्थित उम्मीदवार जी और कांग्रेस के नेता
उनके लिए खुले हम वोट भी मांग रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात की हैरानी भी है और दुख भी है। चौधरी बंसीलाल न केवल भिवानी जिले के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, सर्वमान्य नेता थे, उन्होंने कभी जात बिरादरी क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं की, लेकिन आज उनका फोटो लगा के कुछ लोग जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और ये वही प्रत्याशी हैं जिन्होंने चौधरी बंसीलाल के टोपी पहनी हुई मूर्ति पे जूतियों समेत उनको लात मारने का काम किया था, और आज वही लोग बंसीलाल जी की फ़ोटो लगा करके उनके नाम से वोट बुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चौधरी बंसीलाल के समर्थकों से तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि वो दिन याद करें जो आज कांग्रेस आज चौधरी बंसीलाल जी के नाम पे वोट मांग रही है। उन्होंने स्वयं ने ही चौधरी बंसीलाल की फ़ोटो पर लात मार करके उनका अपमान किया था, और चौधरी बंसीलाल जी की अपने आप को जो राजनीतिक वारिस कहती है, उन्होंने ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करके चौधरी बंसीलाल की आत्मा को दुख पहुँचाया है। ऐसे लोग अवसरवादी हैं, ये लोग किसी के नहीं हो सकते। आज बंसीलाल का नाम मंचों से बड़े आदर से लेते हैं, लेकिन एक समय टिकट कटी थी तो उन्हीं चौधरी बंसीलाल को भाड़ी गाड़ियाँ इन लोगों ने दी थी। ये मैं क्योंकि मैं कभी चौधरी बंसीलाल का राजनीतिक विचारधारा से विरोधी रहा हूँ, कभी उनका समर्थक नहीं रहा, लेकिन मेरी आत्मा में उनके प्रति श्रद्धा है, इज्जत है। ऐसे कदावर आदमी को जिसने अपमान किया, ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। देखा जाए तो जो बंसीलाल जी वारिस बन रहे हैं बता रहे हैं वो है, वही तो उन लोगों को लेके आ रहे हैं, वही राजनीति। मैंने कहा ना, जो लोग चौधरी बंसीलाल के राजनीतिक वारिस होने का दम भरते हैं, उन्हीं लोगों ने चौधरी बंसीलाल जी की आत्मा को ठेस पहुँचाई है, ऐसे लोगों का समर्थन करके। सर क्या मायने बदलेंगे इस प्रकार के जो आज समर्थन कर रहे हैं, समर्थन ले रहे हैं लोगों का? मायने मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि जो भी विरोधी उम्मीदवार हैं, एक जात पात का बखेड़ा खड़ा करके, जात पात का ही सिर्फ प्रचार करके चुनाव में जीतना चाहते हैं। और जहाँ तक मुझे राजनीतिक अनुभव है, कोई भी व्यक्ति जाति पाति फैला करके कभी आज तक तो कोई चुनाव जीता नहीं है, ना किसी एक जात के भरोसे चुनाव जीता जा सकता है। चुनाव तो 36 बिरादरी के सहयोग से जीता जा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी के साथ आज 26 बिरादरी का मतदाता है। निश्चित रूप से जाति विशेष की राजनीति करने वाले धाराशाही होंगे, और 36 बिरादरी की राजनीति करने वालों की जीत निश्चित होगी। थैंक यू सर। तो आज संकल्प पत्र जारी कर दिया गया भाजपा के द्वारा, मुकेश रहेजा जी बैठे हैं, बात करूंगा। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। ये बता ना तो क्यों नहीं रहे? नहाया तो था आज, वो थोड़ा सा वोट मांगने बिजी हो। हाँ सवेरे निकल जावा, रात में 11 बजे है। थोड़ा करे क्या क्या लोग बोल रहे हैं, क्या क्या संकल्प पत्र भी आ गया तो? हाँ जी, उस सेक्टर में सुबह घूमे थे, और सेक्टर की जिम्मेवारी मेरे को वार्ड नंबर 2 की सह प्रभारी के नाते, मीना जी हमारी प्रभारी और मैं सह प्रभारी के नाते हैं, तो सुबह हमने थोड़ा सा समय लगाया था, तो गर्मी का समय होता है, सुबह सुबह ही समय मिल पाता है, और तो सेवकरण का टाइम रह जाए है। मैं कट्टर कार्यकर्ता हूँ तो इसे हूँ, मैं पार्टी का काम करते बाद में ना धुल जाएंगे। पार्टी तो पार्टी ही है हमारी, पार्टी माँ है हमारी, कमल का निशान हमारा अपना है, 30 साल से हम इसी कार्य के लिए लगे हुए हैं, आगामी भी यही है ना, हम पहले कभी किसी और ट्रैक पर चढ़े, आगे भी इसी ट्रैक पर नहीं चढ़ेंगे, इसी ट्रैक पर रहेंगे। चलो, तो भाजपा ने आज संकल्प पत्र जारी कर दिया नगर परिषद चुनाव के उपरांत, देखते हैं अब भविष्य के गर्भ के अंदर 19 तारीख को ये संकल्प पत्र क्या जादू खेला पाएगा, और किस प्रकार का ये अब की बार का खेला होगा नगर परिषद के चुनाव के अंदर, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता उमड़ उमड़ के आया हुआ, और भाजपा का कार्यकर्ता उमड़ उमड़ के अपने नेता के लिए प्रतिमान के लिए वोट मांगने की अपील लोगों से करता हुआ देखा जा सकता है। जयंत सिन्हा से अजय नायक, पंकज सोनी।